हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस नोट 3 5G स्मार्टफोन के बारे में और इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। आपको इंडिया में काफी जल्दी ऑक्सीजन ओएस 14.1 का जो अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है और इस अपडेट के अंदर आपको काफी सारे नए फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। ये सभी फीचर्स है ना, वो पहले ऑक्सीजन ओएस 14 का जो स्टेबल अपडेट है उसके अंदर आने थे। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको नए फीचर्स वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कंट्रोल सेंटर है, उसकी डिजाइन है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का फीचर है वो भी यहाँ पर आ सकता है। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक ये जो अपडेट है वो आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा, कितनी आपको अपडेट की टोटल साइज देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस, उससे पहले वीडियो आप लोगों को ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। फ्यूचर में ये जैसे ही अपडेट वो इंडिया में रिलीज होगा तो वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी और आप लोग हमारा वन प्लस का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं ये जो अपडेट है वो आपको इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है, फीचर्स के बारे में आगे बताऊंगा। तो गाइस, इंडिया में ऑक्सीजन ओएस 14.1 का अपडेट है वो किसी भी डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जो अपडेट है उसके ऊपर टेस्टिंग है वो अभी भी चल रही है। चाइना के अंदर कुछ अपडेट्स हैं वो रोल आउट हो चुके हैं, जैसे कि कलर ओएस के जो अपडेट्स हैं वो काफी वन प्लस के स्मार्टफोन हैं उनके अंदर आ चुके हैं। आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, चाइना के अंदर जितने भी वन प्लस के स्मार्टफोन हैं उनके अंदर आपको ओप्पो का कलर ओएस का अपडेट है वो देखने को मिलता है और वही सेम अपडेट अब आपको इंडिया में ऑक्सीजन ओएस के नेम से देखने को मिलता है। सो कंट्रोल सेंटर की एक नई डिजाइन है वो सामने निकल के आई है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो और ये वाली जो डिजाइन है ना वो कंफर्म हो चुकी है। आप लोग मान सकते हो 90% कंफर्म हो चुकी है कि आपको इंडिया में ये वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। तो यार फाइनली 2 साल बाद में वन प्लस की तरफ से कंट्रोल सेंटर की जो डिजाइन है वो यहाँ पर चेंज की गई है। तो आने के बाद में देखते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को फीचर्स है वो इसी नए कंट्रोल सेंटर के अंदर देखने को मिलते हैं। सेकेंड चेंज आप लोगों को मिल सकता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। अब मैं इसके ऊपर 100% तो श्योर नहीं हूँ कि ये वाला फीचर मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन इस बार वीवो ब्रांड, शाओमी ब्रांड, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जिनके अंदर पहले लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का फीचर नहीं था लेकिन ये वाला फीचर है ना वो एंड्रॉइड 14 के स्टेबल अपडेट के अंदर देखने को मिल गया था। तो अभी जितने भी वन प्लस के स्मार्टफोन है उनमें से किसी भी स्मार्टफोन के अंदर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का फीचर है वो नहीं आया है। तो हो सकता है ऑक्सीजन ओएस 14.1 अपडेट के अंदर ये वाला फीचर है वो आपको देखने को मिल जाए। तो गाइस ये एक न्यूज है ना वो आपके साथ में शेयर करनी थी। अब बात करते हैं अपडेट की टोटल साइज है वो आपको यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी। तो 2 GB के एप्रोक्स आपको अपडेट की टोटल साइज है वो देखने को मिल सकती है और इंडिया में ये जो अपडेट है वो आपको काफी जल्दी देखने को मिलेगा। मई मंथ के अंदर ये जो अपडेट है वो वन प्लस के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है उनके लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और आगे चल के यही सेम अपडेट है वो आपको वन प्लस नोट 3 5G स्मार्टफोन है उसके लिए देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जून मंथ का वेट कर सकते हो, जून मंथ के मिड के आसपास आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पर मिल जाएगा नोट 3 5G स्मार्टफोन के लिए। और मान लो वन प्लस की टेस्टिंग है वो जल्दी कंप्लीट कर दी जाती है और जल्दी अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा कि अपडेट है वो जल्दी ही आने वाला है। तो क्या कर सकते हो, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और वन प्लस का टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पर ये सब इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले ही देखने को मिल जाती है। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।